अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद बुशरा। So we were discussing law gate syllabus and in today's video I am going to discuss the second part of the topic presumptions as to documents. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. In this video we will discuss from article 96 up till article 101. In previous video we discussed from article 90 to article 95 में हमने कहा था कि जहाँ कहीं भी shall का word use होगा तो कोर्ट ये presume करेगी कि ये डॉक्यूमेंट प्रूव्ड है। अब आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि वो कौन से केसेस हैं जिनमें कोर्ट में प्रिज्यूम करेगी। आप डेफिनेशन क्लॉज को देखें तो डेफिनेशन क्लॉज में ये लिखा है कि जहां कहीं भी इस कोड के अंदर मे प्रिज्यूम का वर्ड यूज हुआ है तो वहां पर कोर्ट की ये डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो उस फैक्ट को एज प्रूफ कंसिडर करे या चाहे तो उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए वो पार्टी से एविडेंस मांग सकती है। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 96 से। आर्टिकल 96 कहता है प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड कि अगर कहीं पर किसी फॉरेन कंट्री के जुडिशियल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपीज को एज डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो उस सूरत में कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगी। सो आर्टिकल 96 कहता है द कोर्ट मे प्रिज्यूम, यानी कि कोर्ट की डिस्क्रिशन आ गई, चाहे तो प्रूफ कंसिडर करे चाहे तो उसके लिए एविडेंस मांग ले। क्या कहती है? कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट एनी डॉक्यूमेंट purporting to be a certified copy of any judicial record of any country not forming the part of Pakistan is genuine and accurate कि अगर कहीं पर किसी फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी को एज डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया गया है तो कोर्ट उसको मे प्रिज्यूम कर सकती है, यानी कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो उसको जेन्युइन और एक्यूरेट कंसिडर करे। उसके बाद क्या कहा है? इफ द डॉक्यूमेंट परपोर्ट्स टू बी सर्टिफाइड इन एनी मैनर विच इज सर्टिफाइड बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और इन or for such country to be manner commonly to use in that country for the certification of copies or judicial record, या फिर अगर कहीं पर डॉक्यूमेंट को उस कंट्री की फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ने सर्टिफाई किया है उस मैनर में जिस मैनर में उस कंट्री के अंदर डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई किया जाता है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या जुडिशियल रिकॉर्ड्स को सर्टिफाई किया जाता है तो कोर्ट ऐसी सूरत में प्रिज्यूम, यानी कि कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो वो उस डॉक्यूमेंट को एज जेन्युइन कंसिडर करे और अगर चाहे तो उस डॉक्यूमेंट के लिए वो एविडेंस रिकॉर्ड करवा सकती है। ये क्लॉज 1 थी। क्लॉज 2 क्या कहती है? एनी ऑफिसर हु विद रिस्पेक्ट टू एनी टेरिटरी नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज अ पॉलिटिकल एजेंट। यहाँ पर बात की गई है कि अगर कोई ऑफिसर है जो कि पॉलिटिकल एजेंट है, पाकिस्तान की किसी टेरिटरी का हिस्सा नहीं है जिसको जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, तो उसकी बात की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल 97 के ऊपर। आर्टिकल 97 क्या कहता है? प्रिजम्पशन इज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स। अब इनसे रिलेटेड क्या प्रिजम्पशन कोर्ट ले सकती है कि अगर इनको एज एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पेश किया जाता है। आर्टिकल 97 स्टेट्स द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट, अब यहाँ पर भी डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, चाहे तो प्रूफ कंसिडर करे चाहे तो वो उसको प्रूफ करवाने के लिए एविडेंस बुलवा सकती है। किस बारे में प्रिज्यूम करेगी? दैट एनी बुक टू विच इट मे रेफर फॉर द इंफॉर्मेशन ऑन एनी मैटर्स ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट कि कहीं पर कोई ऐसी बुक जो कि किसी जनरल या पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स के साथ डील कर रही है अगर उसको एज एविडेंस कोर्ट में पेश किया गया है, या फिर दैट एनी पब्लिश्ड मैप और चार्ट द स्टेटमेंट ऑफ विच आर रेलिवेंट फैक्ट, या फिर कोई ऐसा पब्लिश्ड मैप या चार्ट जिसकी स्टेटमेंट को रेलेवेंट फैक्ट के तौर पर कंसिडर किया गया है एंड विच इज प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन और जिसको कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया गया है, इट वॉज रिटन एंड पब्लिश्ड बाय द पर्सन एंड एट द टाइम एंड प्लेस बाय होम और एट विच इट परपोर्ट्स टू बी हैव बीन रिटन। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि उस डॉक्यूमेंट को, उस पब्लिश्ड बुक को या पब्लिश्ड मैप या चार्ट को उसी बंदे ने लिखा और पब्लिश किया है जिस बंदे की तरफ से इसका पब्लिश होना था या इसका लिखा जाना था। यानी यहाँ पर कोर्ट में प्रिज्यूम है कि चाहे तो वो उन डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस को कंसिडर करे कि भाई ये उसी बंदे ने लिखे जिसने लिखे जाने थे, या फिर उन बुक मैप्स या चार्ट्स या पब्लिश्ड रिकॉर्ड्स के लिए वो कोई एविडेंस कॉल करवाए कि आप इस चीज़ को प्रूव करो कि क्या ये उसी बंदे ने लिखे हैं जिस बंदे से ने इसको लिखना था, या उसी बंदे ने पब्लिश किए हैं जिस बंदे ने इसको पब्लिश करना था। ये था आर्टिकल 97। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 98 के ऊपर। आर्टिकल 98 क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस। जहां पर टेलीग्राफिक मैसेजेस को एज एविडेंस पेश किया जाता है तो उसके मुतालिक कोर्ट क्या प्रिजम्पशन ले सकती है। सो आर्टिकल 98 स्टेट्स द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट। यहां पर भी मे का वर्ड है, याद रखना है कि किन केसेस में कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी और किन केसेस में कोर्ट मे प्रिज्यूम करेगी। द कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट मैसेजेस फॉरवर्ड फ्रॉम अ टेलीग्राफ ऑफिस टू द पर्सन टू होम सच मैसेज परपोर्ट्स टू बी एड्रेस्ड। कि अगर कोई टेलीग्राफिक मैसेज जिसको एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पेश किया गया है तो उससे मुतालिक कोर्ट में प्रिज्यूम दैट सच मैसेज वॉज डिलीवर्ड फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम विच सच मैसेज परपोर्ट्स टू बी सेंट। कि कोर्ट ये प्रिजम्पशन ले सकती है कि ये जो मैसेज है ये उसी ऑफिस से भेजा गया है जिस ऑफिस से इसका भेजा जाना था। बट लेकिन इसके साथ फर्दर क्या कहती है? द कोर्ट शैल नॉट मेक एनी प्रिजम्पशन एज टू द पर्सन बाय होम सच मैसेज वॉज डिलीवर्ड फॉर द ट्रांसमिशन। लेकिन कोर्ट उस बंदे से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई प्रिजम्पशन नहीं लेगी कि आया उस जिस बंदे ने इस मैसेज को डिलीवर करना था उसी ने किया है या नहीं। कोर्ट ने सिर्फ ऑफिस से मुतालिक प्रिजम्पशन लेनी है कि आया वो उसी, ये टेलीग्राफिक मैसेज उसी ऑफिस से डिलीवर हुआ है जिससे होना था, लेकिन उस बंदे का कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 99 के ऊपर। आर्टिकल 99 क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू ड्यू एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा ऑफ द डॉक्यूमेंट्स नॉट प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पर किन डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है कि जो हमने पीछे पढ़े थे कि जो डॉक्यूमेंट किसी और बंदे की पोजेशन में है तो उनसे मुतालिक कोर्ट की क्या प्रिजम्पशन है। आर्टिकल 99 में क्या कहा है? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम। अब यहाँ पर मैंडेटरी प्रोविजन है कि कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को जेन्युइन, उस डॉक्यूमेंट को एक्यूरेट कंसीडर करेगी। यहाँ पर कोर्ट की कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, बल्कि कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को एज प्रूव्ड कंसीडर करना है। अब कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? दैट एवरी डॉक्यूमेंट, जो हमने आर्टिकल 76 में पढ़ा कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके अलावा किसी और बंदे की पोजेशन में है तो अगर उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करना है तो आप उस बंदे को आर्टिकल 77 के अंदर नोटिस भेजोगे कि वो बंदा इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करे। अब अगर वो बंदा इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करता तो उससे मुतालिक ये आर्टिकल बताता है कि उस सूरत में कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगी। आर्टिकल क्या कहते हैं? दैट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस्ड आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस। कि जिस डॉक्यूमेंट को कोर्ट ने प्रोड्यूस करने के लिए कहा था वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुआ इवन आफ्टर द नोटिस। यानी कि आपने उस बंदे को नोटिस भी भेजा है कि वो उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करे, लेकिन उसने फिर भी नहीं प्रोड्यूस किया, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेगी कि वो जो डॉक्यूमेंट था That document was attested, stamped and executed in the manner required by law. कि वो डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्ट हुआ है, उस बंदे की स्टैम्प है उसके ऊपर और उस बंदे ने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है अकॉर्डिंग टू द लॉ। यानी जब कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होना था उसको नोटिस के बाद भी वो पार्टी प्रोड्यूस नहीं करती तो उससे मुतालिक कोर्ट की ये प्रिजम्पशन है कि ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट हुआ है और एग्जीक्यूट हुआ है अकॉर्डिंग टू द लॉ। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 100 के ऊपर। आर्टिकल 100 क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 years old। कि जहां पर कोई डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है, तो वो जब एविडेंस के तौर पर आता है तो उससे मुतालिक कोर्ट क्या प्रिजम्पशन लेगी. सो इट स्टेट्स दैट वेयर any document purporting or proved to be 30 years old is produced from any custody which the court in particular case considers proper. कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो के 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, इसको प्रूव किया गया है कि वो 30 साल पुराना है, ये इसके बारे में कहा गया है कि वो 30 साल पुराना है, अगर उसको कोई ऐसा बंदा प्रोड्यूस करता है, ऐसे बंदे की कस्टडी से प्रोड्यूस किया जाता है जो कि प्रॉपर कस्टडी है, जो कि कोर्ट ये समझती है कि ये जिस बंदे की कस्टडी से लाया गया है ये प्रॉपर कस्टडी है. अब यहाँ प्रॉपर कस्टडी से क्या मुराद है? मीन्स टू से कि ये डॉक्यूमेंट जिस बंदे के पास होना चाहिए था उसी बंदे की कस्टडी से ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, तो कोर्ट ऐसे बंदे की कस्टडी को प्रॉपर कस्टडी कंसिडर करेगी. तो ऐसी सूरत में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि अगर कोई डॉक्यूमेंट 30 इयर्स ओल्ड है, द कोर्ट मे प्रिज्यूम, अब यहां डिस्क्रिशन है, दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स व्हिच परपोर्ट्स टू बी इन द हैंड राइटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन इज इन दैट पर्सनस हैंड राइटिंग. तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि इस डॉक्यूमेंट या इस डॉक्यूमेंट का जो कुछ हिस्सा जिसके ऊपर सिग्नेचर है और किसी बंदे की हैंड राइटिंग है, तो कोर्ट यही मानेगी कि ये उसी बंदे की हैंड राइटिंग है जिस बंदे ने इस डॉक्यूमेंट को लिखा था. यानी यहाँ पर भी मे प्रिज्यूम का वर्ड है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है, चाहे तो इस 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट को भी प्रूफ कंसिडर करे, लेकिन चाहे तो वो उसकी ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड एविडेंस डिमांड कर सकती है. और इसी के साथ आगे बताए, एंड इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड, और अगर वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है और ड्यूली अटेस्टेड है, तो कोर्ट उस सूरत में भी मे प्रिज्यूम करेगी कि ये डॉक्यूमेंट उसी बंदे ने एग्जीक्यूट किया है और अटेस्ट किया है जिस बंदे का ने इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करना था. सो आर्टिकल 100 सिंपली क्या कहता है कि जहां पर कोई डॉक्यूमेंट 30 इयर्स ओल्ड है, वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, तो कोर्ट यही समझेगी कि ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस किया गया है और उसके ऊपर जो सिग्नेचर और हैंड राइटिंग है वो उसी बंदे की हैंड राइटिंग है जिसने इस डॉक्यूमेंट को लिखा था, और अगर कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट अटेस्टेड और एग्जीक्यूट है तो यही समझा जाएगा कि उसी बंदे ने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है और अटेस्ट किया है. उसके बाद आ जाते हैं लास्ट सेक्शन के आर्टिकल के ऊपर, जो कि है आर्टिकल 101. आर्टिकल 101 डील करता है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स 30 इयर्स ओल्ड, कि जहां पर आप उस 30 इयर्स ओल्ड डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज को कोर्ट में एज एविडेंस प्रोड्यूस करते हो. 100 में हमने क्या कहा? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो. 101 क्या कह रहा है कि उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज प्रोड्यूस कर रहे हो. तो आर्टिकल क्या कहता है? द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 100 शेल अप्लाई टू सच कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट रेफर टू इन दैट आर्टिकल. शेल अप्लाई मैंडेटरी है कि आर्टिकल 100 की जो प्रोविजन है, जो हमने आर्टिकल 100 में जिस मैनर में डिस्कस किया कि कोर्ट उसको प्रिज्यूम करेगी, यहाँ पर कहा गया है कि इस आर्टिकल के ऊपर भी वही कोर्ट की प्रिजम्पशन अप्लाई होंगी अगर वो डॉक्यूमेंट आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग सर्टिफाइड है. आर्टिकल 87 में हमने पढ़ा था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से सर्टिफाइड उसकी कॉपीज हैं, आप उस पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज को किस तरह से प्रूफ करते हो. तो अगर तो ये सर्टिफाइड कॉपीज उसी मैनर में सर्टिफाइड हुई हैं और वो 30 इयर्स पुराना डॉक्यूमेंट है, तो ऐसी सूरत में ये कहा गया है that such certified copies may be produced in proof of contents of documents or part of documents of which it purports to be a copy. कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी है ये उस आर्टिकल 87 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है. द कोर्ट में प्रज्यूम, अब यहाँ पर भी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट ये प्रज्यूम कर सकती है कि ये जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं उस 30 इयर्स पुराने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, ये उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को प्रूफ करने के लिए काफ़ी हैं. यहाँ कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स। इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है आर्टिकल 96 से 101 तक। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।